सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल हेल्प चैनल को, दबाए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के। दोस्तों, अगर आप लोग मोबाइल कैमरे से फोटो लेते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपका फोटो बिल्कुल DSLR इफेक्ट में आए, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। दोस्तों, आपने बहुत सी एप्लीकेशन देखी होंगी और बहुत सी एप्लीकेशन आपने ट्राई की होंगी, लेकिन मैं आज आपको जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस तरह के एप्लीकेशन आपने शायद कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इस ऐप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, आपने बहुत सी एप्लीकेशन देखी होगी, लेकिन दोस्तों आपने इस एप्लीकेशन के फीचर, अगर मैं आपको इस एप्लीकेशन के फीचर बताऊं, तो शायद आपने इस तरह के फीचर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर नहीं देखे होंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों, जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगी, आपका यहां पर कैमरा ओपन हो जाएगा। नीचे आप कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे सेटिंग, फ्लैश, कैमरा, गैलरी, स्विच। तो यहां पर आप गैलरी पर क्लिक कर देना, या आप प्राइट फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए, यहां पर मैं गैलरी में से एक फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर ये फोटो मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर राइट मिलेगा तो आप राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर कुछ टाइम का आपको वेट करना होगा। दोस्तों, ये एप्लीकेशन स्पेशल ब्लर फोटो करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि ये एप्लीकेशन टेलीपोर्ट का एक छोटा वर्जन है। तो यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन से अपने फोटो को आपको एडिट करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर मेरा फोटो कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब दोस्तों, नीचे आपको एक एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप जितना भी एडजस्ट अपने फोटो करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ से अगर मैं कम करूँ तो पीछे का आप बैकग्राउंड चेक करना, तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। लेकिन यहाँ से अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो पीछे का आप बैकग्राउंड चेक करना धीरे धीरे ब्लर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 4 फोटो इसलिए हैं ताकि आप जान पाओ कि एप्लीकेशन किस तरीके से काम करती है। दोस्तों, आप कितने भी पिक्चर ले लो, लेकिन इस तरह से फोटो आप सिर्फ इसी एप्लीकेशन से एडिट कर पाओगे। तो पीछे का बैकग्राउंड आप देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है, बिल्कुल ब्लर हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर इस फोटो को आप सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करना। अब यहाँ से आप अपने फोटो को अपनी फ़ोन गैलरी में सेव कर लोगे। फेसबुक पर आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्टली अपनी फ़ोन गैलरी पर सेव कर लेना। दोस्तों, ये एप्लीकेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है। अगर आप एक DSLR फोटो कैप्चर करना चाहते हैं अपने फ़ोन से, किसी फ़ोन से, तो इस एप्लीकेशन का यूज़ कीजिए, फिर देखिए आप कमाल। अगर आपका फोटो आपके दोस्त देख लेगा तो आपसे पूछे कि आपने इस तरह का फोटो कौन से मोबाइल से लिया है। आई होप दोस्त आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, फिर मिलता हूँ।